हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो फर्स्ट प्लीज़ गाइस, मेरे 100 सब्सक्राइबर्स करवा दो। आप सब लोगों के लिए भी कुछ स्पेशल वीडियो आने वाला है। एंड नेक्स्ट पार्ट, आज हम बनाएंगे हेलो किटी वाला ट्रे। तो इसका जो एंड का रिज़ल्ट था वो मैं एक शॉर्ट में अपलोड करूँगी, क्योंकि वो अभी तक ड्राई नहीं हुआ था। तो ड्यूरिंग एडिटिंग मैंने पहले ही सोच लिया था कि मैं आपको बता दूँगी कि इसका एक और वीडियो आएगा। सो फ्रेंड्स, मैंने इधर 3 कलर्स का क्ले ले लिया है। तो जो वेस्ट था, यानी मतलब अगर मैं थोड़े दिनों और रखती तो वो सारा ख़राब हो जाता और पूरा ड्राई हो जाता, तो मैंने वो 3 कलर्स ले लिए। आप अनवांटेड भी कलर्स ले सकते हैं, मैंने भी अनवांटेड कलर्स लिए हैं। मतलब कुछ कलर्स आपको नहीं चाहिए तो आप वो ले लो, उनको मिक्स कर लेना है अपनी मर्ज़ी से जितना क्वान्टिटी चाहिए। इसके बाद आपने क्या करना है, कोई भी शेप पेपर से कट कर लेना है, आपको जो भी एनिमल पसंद है या कुछ भी सर्कल शेप का भी आप ट्रे बना सकते हैं। तो इधर मैंने एक फिश कह रही हूँ, एक मैंने कैट का शेप का कटआउट कर लिया था। इसके बाद मैं इसको वाटर की हेल्प से थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ स्प्रेड। अगर आपके पास मोल्डेड क्ले है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ ऐसे भी ठीक है। लेकिन जब मैं ये बनाने वाली थी ना, तो एकदम से मैं भूल ही गई थी इसको लाना, तो फिर मुझे याद आया कि हम इस तरह भी बना सकते हैं। इसके बाद मैंने इधर नाइफ़ ले लिए। नाइफ़ के अलावा आप कटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नाइफ़ से ज़्यादा अच्छे तरीके से होगा, क्योंकि नाइफ़ का जो होता है ना स्टार्टिंग वाला नोक तो वो ज़रा शार्प होता है। तो इस तरह ईज़िली क्ले को हम शेप भी दे सकते हैं कैट की, और इस तरह वो हो जाएगा। यानी हमने क्या करना है कि सबसे पहले जो भी पेज का आप कटआउट करोगे उसको अच्छे तरीके से पेस्ट कर देना है अपनी क्ले के ऊपर, पेपर का जो हम कटआउट लेंगे, और उसके बाद रेडी करना है। इधर मैंने बना लिया है लंबा सा स्ट्रिप। तो ये लंबी सी रॉड, ये जो भी आप बोलेंगे लॉन्ग सी रॉड वगैरह रेडी करने के बाद मैं कैट के ऊपर थोड़ी और डिटेलिंग्स ऐड करूँगी। मुझे लाइट पिंक कलर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और पसंद है, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैंने इस कैट को किया था लाइट पिंक कलर का। इसके बाद हमने थोड़ा थोड़ा स्प्रे लगाना है और पूरा ट्रे को अच्छे तरीके से शेप दे देना है। ये नाइफ़ मैं इसलिए वापस यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इस पर मैंने थोड़ा थोड़ा वाटर ऐड किया था ऊपर लगाने के लिए। फिर मैंने इसको थिन साइड्स कर दी थी और इसको मैंने अराउंड 5 आवर्स के लिए उसको ड्राई करने के लिए रखा। तो इसको सब कुछ स्प्रे वगैरह करके मैंने इसको रेडी कर देना है। एंड फ्रेंड्स, आपको पता है मेरी दिनों से वीडियो इसलिए अपलोड नहीं की क्योंकि मेरी बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे फ्लू भी हो गया था और थ्रॉट का भी कुछ प्रॉब्लम हो गया था। तो सबसे पहले मैंने ये पोस्टर कलर ले लिया है चाइनीज़ वाइट। तो इसके बाद मैंने इसको फर्स्ट कोटिंग के लिए स्प्रेड कर लिया। इसके बाद ये पोस्टर कलर को मैंने एक कार्ड पर लगा दिया। कार्ड पर इसलिए लिया है क्योंकि हम इसको मिक्सिंग पैलेट की तरह यूज़ करेंगे। इसके बाद मैंने इधर ये ले लिया है पेंट, ये वैसे रॉक के लिए होता है लेकिन हम इस तरह यूज़ करेंगे। इसको मिक्स करने के बाद ये देखें, अब मैं इसको लगाना शुरू कर दूँगी। थोड़ा थोड़ा हमने आगे पीछे लगा देना है। इसकी कोट को मैंने ड्राई किया और बस बाय।